हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का री क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है बच्चों। तो बच्चों, आज से हम लोग क्लास टेंथ का फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज से क्लास टेंथ की पढ़ाई हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और अभी जो करंटली ये फिजिक्स की क्लास होने जा रही है, तो अब आप हमसे रेगुलर वे में कनेक्ट रहोगे। और ये हमारे इस प्लेटफॉर्म से आपको क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं, देखो दो ऑप्शंस हैं आप हमसे जुड़ सकते हो। एक तो ये है कि आप केवल यूट्यूब पे हमारे वीडियोस वॉच करो और उससे पढ़ाई कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आप हमसे पेमेंट करके जुड़ोगे तो इससे क्या होगा कि आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ और मिलने वाली हैं। और फैसिलिटीज़ में क्या है, जैसे आप असाइनमेंट्स ले पाओगे हमसे, नोट्स ले पाओगे, DPPs ले पाओगे, ऑनलाइन टेस्ट दे पाओगे। ये सारा चीज़ आपको अवेलेबल होगा ओनली वेन जब आप हमें पेमेंट करोगे 999 rupees का, जो कि पूरे एक साल के लिए आपको ये पेमेंट, ये एक बार पेमेंट किया आप पूरे एक साल तक ये सारी चीज़ें एक्सेस कर पाओगे। अदरवाइज अगर आप केवल वीडियोस देखना चाहते हो तो आपको YouTube पे वीडियोस अवेलेबल रहेंगे। और अगर बाकी सारी चीज़ें चाहते हो तो उसके लिए आपको छोटा सा अमाउंट है, बहुत नॉमिनल अमाउंट है, उसको आप पेमेंट करके आराम से इसका यूटिलाइजेशन करो। बहुत फ्रूटफुल होने वाला है बेटा। आप परचेज करो या ना करो इस पैकेज को, आप मोबाइल एप्लीकेशन हमारा जरूर इंस्टॉल करना। ये आपको प्ले स्टोर पर अवेलेबल मिल जाएगा। रे क्लासेस आपको सर्च करना है प्ले स्टोर पर, जो भी लिंक आपको, जो भी पहला एप्लीकेशन आएगा उसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। इसमें आपके पास फ्री इस पे अपलोडेड है स्टडी मटेरियल्स ढेर सारे, उसका आप एक्सेस कर पाओगे विदाउट एनी पेमेंट। हाँ, अगर पेमेंट करोगे तो हम आपको रेस्पेक्टिव बैच में ऐड कर देंगे, जिससे आप उस बैच से रिलेटेड जो भी कंटेंट आपको जाएगा वो सारी चीज़ें आप एक्सेस कर पाओगे। ओके, तो चलो बच्चों, आज से हम लोग अपने इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। जो पहला चैप्टर है हमारा, इस चैप्टर का नाम क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। क्या नाम है? इलेक्ट्रिसिटी। और इससे आप बहुत बखूबी परिचित हो, आप सब लोग जानते हो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। लेकिन बस ये जानते हो क्या होती है, लेकिन कैसे बनती है, कैसे चीज़ें इसमें क्या अंदरूनी चीज़ है, वो आप नहीं जानते हो। तो आज हम लोग बहुत डीप में इसको स्टडी करेंगे। आपको जो मैं यहाँ पढ़ाने वाला हूँ वो आपको केवल एकेडमिक लेवल का नहीं होगा, ये आपको जो भी कॉम्पिटिशन्स आप देने वाले हो, NTSC हो, LMPIADS हो, हर जगह ये आपको काम देगा। तो मैं आपको स्टार्टिंग टू एंड, मतलब हर एक चीज कंप्लीट पढ़ाने वाला हूं। केवल आपको स्कूल सिलेबस नहीं, कंप्लीट सिलेबस होगा आपको। कम इस चैप्टर्स में जो चीज मैं पढ़ा दूंगा, इससे बाहर कोई चीज हो ही नहीं सकती, कोई चीज आएगी ही नहीं। तो बस कनेक्ट रहना बेटा। और अब हम लोग पढ़ाई स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी। अब देखो इलेक्ट्रिसिटी को क्या हुआ कि इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दिया गया है, इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दिया गया। एक पार्ट को बोला गया स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोला गया? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। दूसरे पार्ट को बोला गया करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोला गया बेटा? करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, अब ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इस पर बात कर लेते हैं। देखो स्टैटिक मतलब होता है रुका हुआ, करंट मतलब होता है जैसे पानी का करंट, वाटर करंट। पानी करंट कहोगे तो पानी की धारा, धारा तो कभी रुकती नहीं है। तो ऐसे ही स्टैटिक का मतलब होता है रुका हुआ। तो देखो स्टैटिक का मतलब होता है ये डील करता है, डील्स विथ चार्ज। कौन से चार्ज के बारे में डील करता है? एट रेस्ट, जो चार्जेस रेस्ट पे हैं उनके बारे में ये डील करता है। मतलब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग उन चार्जेस के बारे में बात करते हैं जो चार्जेस रेस्ट पे होते हैं। ओके, करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है? डील्स विथ मूविंग चार्ज। इसमें क्या होता है? वो चार्ज जो होता है ये मूव करता है। मूविंग चार्ज के बारे में हम लोग डील करते हैं जो मोशन में होता है।
deals with charges which is in motion, जो motion में होता है, moving करता है, ठीक है। अब देखो क्या है, ये अभी हम लोग जो पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, अभी हम लोग इसको पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इसका एक और नाम है, इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। ये फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्या है या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है, देखो द इलेक्ट्रिसिटी डेवलप्ड ऑन द सरफेस ऑफ इंसुलेटिंग बॉडीज, मतलब इंसुलेटिंग बॉडीज के सरफेस पे जो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होती है या जो चार्जेस डेवलप होते हैं व्हेन रब्ड टुगेदर, जब उनको रब किया जाता है, तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होती है, बेल्ली वो चार्ज हो जाते हैं। तो देखो इसको आप लिख लो, द इलेक्ट्रिसिटी डेवलप्ड ऑन द सरफेस ऑफ इंसुलेटिंग बॉडीज इंसुलेटिंग बॉडीज के सरफेस पे ये डेवलप होते हैं when rubbed against each other, अगर हम इनको क्या करते हैं, रब कर देते हैं, इनको आपस में रगड़ देते हैं, तो ये प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड स्टैटिक और फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। फ्रैक्शनल, फ्रैक्शन का मतलब ही क्या होता है, रगड़ना। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, समझ में आई चीजें। तो ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन हो गई क्या होती है। अब देखो क्या होता है, ये सोर्स क्या है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स क्या है। देखो जब दो सब्सटेंस को आपस में रगड़ते हो, जब हम लोग क्या करते हैं, दो सब्सटेंस को आपस में रगड़ते हैं, तो क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होकर इस पे आ जाते हैं, एक से दूसरे पे चले जाते हैं। तो जिस पे गए, अभी जब ऐसे बॉडीज लिया आपने, न्यूट्रल है, न्यूट्रल का मतलब होता है इनके ऊपर कोई भी चार्ज, चार्ज तो है लेकिन पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज दोनों बराबर, इसलिए इसको न्यूट्रल बोलते हैं। तो अभी इनके पास, सबके पास पॉजिटिव नेगेटिव बराबर, इसलिए इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। आपने जब इनको रब किया, आपने जब इनको रगड़ा, तो कुछ इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे में ट्रांसफर हो गए। अब जिसमें से ट्रांसफर हुए, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, जिसपे से ट्रांसफर हुए उस पे तो अब पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ गया तो पॉजिटिव ज्यादा हो गया, तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया। और दूसरे पे क्या हो गया, पहले न्यूट्रल था, उसमें नेगेटिव चार्ज और आ गया, तो वो नेगेटिवली चार्ज बन गई। तो इस तरीके से हम लोग चार्ज कर सकते हैं बॉडीज को, ठीक है। तो मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन या डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन बताता है कि बॉडी चार्ज्ड है कि नहीं। अगर एक्सेस है इलेक्ट्रॉन्स का, तो इसका मतलब वो नेगेटिवली चार्ज होगा। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इसका मतलब वो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है, ठीक है। समझ में आया, तो इतना नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। देखिए अब बात करते हैं बेटा इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। देखो चार्ज क्या होता है, एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। चार्ज क्या है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी किसकी है, मैटर की प्रॉपर्टी है। अब मैटर अगर आ गया, तो इसका मतलब सब कुछ आ गया। अब मैटर में मेनली, या मैटर किससे मिलकर बना होता है, एटम से मिलकर बना होता है। एटम किससे मिलकर बने होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। तो इसका मतलब ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी किसकी है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स की,
दैट एग्जिबिट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन और रिपल्सन ओवर अदर मैटर. मतलब दो मैटर का आप लेते हो तो इनके बीच में कुछ अट्रैक्शन या रिपल्सन का फोर्स लगता है. वो किसके कारण लगता है, किसके थ्रू, किसके कारण लगता है, वो उनके फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर के कारण लगता है. तो इसी को हम लोग चार्ज बोलते हैं, या एक दूसरे लैंग्वेज में बोल सकते हो इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विथ मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट. ये क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक, या एक्सपीरियंस करता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट को. जैसे कैसे, एक आपने बॉडी लिया, दूसरी बॉडी लिया तो ये हमेशा एक दूसरे को क्या करेगी, या तो अट्रैक्ट करेगी या रिपेल करेगी. अट्रैक्ट करेगी. अब ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट आप इसी चैप्टर में इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे और अगले चैप्टर में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हम लोग पढ़ेंगे. तो सारी चीजें हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है. तो जो मैटर होता है एटम्स मिलकर बना होता है, और आपको पता है एटम्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं. अब जो टोटल बैलेंस होता है, जो चार्ज होता है इज द टोटल बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन. ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का टोटल बैलेंस होता है. टोटल बैलेंस का मतलब हो गया कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन लिया, उसमें जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी, अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए तो इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है, उतना ही चार्ज पॉजिटिव प्रोटॉन पे होता है. अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए तो वो बॉडी निगेटिवली चार्ज हो जाएगी, अगर उस पर प्रोटॉन ज्यादा हो गए तो वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी. तो यही ये बैलेंस कौन बताता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बताते हैं. तो अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, एफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन, अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बराबर हो गया तो हमारा सब्सटेंस जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है. मतलब उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन जो है ये प्रोटॉन के बराबर नहीं है, मतलब दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तब हमारी बॉडी बोला जाता है कि ये चार्ज्ड है. क्या है, चार्ज्ड है. अब अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो वो नेगेटिवली चार्ज होगी, अगर प्रोटॉन ज्यादा होंगे तो वो पॉजिटिवली चार्ज होगी. तो अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर हो गए तो इसका मतलब उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, वो चार्जेस उसमें अवेलेबल हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज बराबर होने की वजह से वो न्यूट्रल हो गए. क्योंकि आपको पता होगा कि क्या होता है, 2 में ये +2 है और आपने -2 किया तो क्या आता है भाई, 0 आता है ना. 2 और -2 लिया और इनको ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 0 ही आएगा. ऐसे ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज निगेटिव चार्ज होता है, माइनस होता है, और प्रोटॉन पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है. तो जब सेम चार्ज, जब दोनों, जैसे मान लिया कि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है, अभी मैं आपको बताऊंगा, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम का निगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पे इतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है. तो अब देखो दोनों को ऐड कर दोगे, अगर दोनों एक नंबर है, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन है, तो ये तो दोनों कैंसिल हो गए, तो टोटल चार्ज कितना हो गया, 0. इसका मतलब उसमें चार्ज तो अवेलेबल है लेकिन टोटल बॉडी में जो चार्ज है वो न्यूट्रल है, उसमें ऊपर कोई चार्ज नहीं है. ठीक, समझ में आ गया. चलो इतना नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बात करते हैं. नोट कर लिया बच्चा, चल देखो. अगर इफ देयर इज इंबैलेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन,
अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में इम्बैलेंस है, बैलेंस नहीं है, तो देन बॉडी आर अट्रैक्ट और रिपेल अनदर बॉडी। ये क्या करेगी, अगर आपके जो भी ऑब्जेक्ट आपने लिया है अगर उस पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का बैलेंसिंग बराबर नहीं है, बैलेंस नहीं है, तो वो ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को या तो अट्रैक्ट करेगी या रिपेल करेगी। डिपेंड करता है कि इस पर क्या चार्ज है और सामने वाले पे क्या चार्ज है। ठीक है, तो अब देखो, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ चार्जेस की। किसकी बात करते हैं, टाइप्स ऑफ चार्जेस की बात करते हैं। चार्जेस कितने टाइप्स के होते हैं, तो देखो चार्जेस को जो बांटा गया वो दो टाइप में बांटा गया। अब इसका कोई स्पेसिफिक ये नहीं था कि इसको पॉजिटिव इसको निगेटिव नाम देना है, नाम तो ऐसे ही दे दिया गया। एक को बोला गया पॉजिटिव चार्ज, क्या बोला गया पॉजिटिव चार्ज, दूसरे को बोला गया निगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज भाई, निगेटिव चार्ज। ठीक है, एक तो हो गया पॉजिटिव चार्ज, दूसरा हो गया निगेटिव चार्ज। अब देखो पॉजिटिव निगेटिव कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे, तो अ बॉडी हैविंग डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, अ बॉडी हैविंग डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसी बॉडी जिसपे इलेक्ट्रॉन की कमी हो, इलेक्ट्रॉन कम होगा तो इसका मतलब वो पॉजिटिव चार्ज होगा, और अ बॉडी हैविंग एक्सेस इलेक्ट्रॉन। अगर किसी बॉडी पे एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो बॉडी कैसी होगी, वो बॉडी हमारी पॉजिटिव चार्ज होगी। तो ये हमारा निगेटिव पॉजिटिव चार्ज है और ये हमारा निगेटिव चार्ज हुआ। समझ में आया, चलो इतना समझ में आ गया तो इतना नोट कर लो, फिर हम लोग चलते हैं कि सब्सटेंस को हम लोग कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, किसके बिहाफ पे, टू द एबिलिटी ऑफ चार्ज टू मूव थ्रू देम, मतलब चार्ज के मूवमेंट के अलोंग हम सब्सटेंस को कैसे डिवाइड कर सकते हैं, कि चार्ज कैसे मूव कर रहा है उसके बिहाफ पे हम लोग सब्सटेंस को कैसे डिवाइड कर सकते हैं, उसकी बात हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, चलो ये भी कर लेते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल, मटेरियल का क्लासिफिकेशन हम करना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी ऑफ चार्ज, एबिलिटी ऑफ चार्ज मूव थ्रू देम, उसके अंदर से कैसे मूव करता है, इसकी एबिलिटी के आधार पे हम लोग मटेरियल को किस टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं। तो देखो दो मेन पार्ट में उसको हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। कौन से मेन पार्ट है भाई, तो एक तो बात है कंडक्टर, भैया बस वाला कंडक्टर नहीं, ये मटेरियल है कंडक्टर्स, और दूसरा क्या है इंसुलेटर्स। पहला है कंडक्टर, दूसरा है इंसुलेटर्स। ठीक है, चलो तो देखो कंडक्टर्स क्या होते हैं, ये वे मटेरियल होते हैं जिसमें से चार्ज बड़े ही आसानी से मूव कर सकता है। तो लिख लीजिए
कंडक्टर्स आर द मटेरियल्स कंडक्टर्स वेव मटेरियल होते हैं थ्रू विच द चार्ज कैन फ्लो easily, जिसमें से ईजिली चार्ज फ्लो कर सकता है उनको हम लोग बोलते हैं कंडक्टर्स। अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो जितने भी मेटल हैं, चाहे कॉपर ले लो, चाहे एल्यूमिनियम ले लो, चाहे सिल्वर ले लो, चाहे आयरन ले लो, ये सब क्या है? ये सब आपके कंडक्टर्स हैं। चाहे आप वाटर भी ले लो, वाटर भी क्या है? एक कंडक्टर होता है। ये क्या है? ये है कंडक्टर्स, जिसमें से चार्ज इजिली फ्लो कर सकता है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? उनको हम लोग कंडक्टर बोलते हैं। ओके, देखो इंसुलेटर्स क्या होते हैं? मटेरियल्स इन विच चार्जेस कैन नॉट मूव इजली, मतलब जिसमें चार्ज मूव ही नहीं कर पाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंसुलेटर्स, उनको हम लोग इंसुलेटर्स बोलते हैं। अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करें तो इंसुलेटर्स के एग्जांपल्स क्या होंगे? प्लास्टिक्स, ग्लास, रबड़, ठीक है, ये सब क्या है? ये सब इंसुलेटर्स है। तो ये इंसुलेटर जो होते हैं, इंसुलेटर्स प्रिवेंट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखो जब इंसुलेटर्स में से चार्ज ही नहीं फ्लो हो पाएगा तो इसका मतलब है कि वो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करा सकते, क्योंकि फ्लो ऑफ चार्ज ही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। देखो जब ये इलेक्ट्रिसिटी को प्रिवेंट करते हैं तो इसीलिए क्या होता है, जितने भी आपके वायर्स होते हैं उस पे प्लास्टिक की कोटिंग की जाती है या रबड़ की कोटिंग की जाती है, जितने भी होते हैं, आप कोई भी वायर लोगे उस पे ऊपर देखोगे प्लास्टिक की कोटिंग होती है। क्यों होती है? क्योंकि वायर में से तो आपके करंट चली जाएगी, लेकिन जो करंट होगी वो आपके प्लास्टिक के ऊपर नहीं आ सकती, इसी वजह से क्या होगा, आपको इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा। अगर वो ओपन ना हो जाए वायर, जैसे कि आपकी हाई टेंशन वायर्स होती हैं वो ओपन होती हैं, अगर आप उसको पकड़ लेते हो और आप अगर आप अर्थिंग के टच में आ गए तब तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक ऐसा लगेगा कि आप बच नहीं सकते हो। ऐसे ही क्या होता है कभी कभी, मान लो आप ऐसा आपके साथ हुआ है या ना हुआ, मेरे साथ बहुत हुआ है, क्या होता है जैसे मान लो कभी कोई चीज़ इलेक्ट्रिक आपका इंस्ट्रूमेंट ख़राब हो गया तो क्या होता है कि हम लोग जनरली रिपेयर करते हैं तो गलती से भूल जाते हैं कि अगर प्लग में लगा है स्विच ऑन नहीं है। फिर भी क्या होता है कि अगर मान लो आप रिपेयर कर रहे हो और गलती से अगर आप ग्राउंड की टच में आ गए तो क्या होगा, आपको एक छोटा सा झटका लगता है। तो अगर वो आप अगर उसका इंसुलेशन जो उसके ऊपर कोटिंग लगी उसको खोलते हो तो क्या होगा कि अगर वो कोटिंग नहीं होती तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगने के चांसेस ज़्यादा थे, लेकिन अब क्या होता है कि वो कोटिंग होने की वजह से आप वायर को कहीं भी ले आ सकते हो आराम से, कहीं भी इलेक्ट्रिक शॉक लगने की चांसेस नहीं है। तो ये क्या है कि ये इंसुलेटर जो होते हैं प्रिवेंट करते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी को अपने में से कंडक्ट नहीं होने देते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि इनका यूज किया जाता है वायर के ऊपर कोटिंग करने में, ठीक है। तो ये हमारे कंडक्टर्स हो गए, इंसुलेटर्स हो गए। अब इनके बीच में भी एक मटेरियल होता है और उनका उसका नाम याद रखिए आप, इन दोनों के बीच में एक आता है सेमीकंडक्टर। क्या आता है? सेमीकंडक्टर। इसके आने से
आपके इलेक्ट्रिसिटी के इलेक्ट्रिसिटी में बहुत बड़ा चेंज आ गया, मतलब इस सेमीकंडक्टर के आने से आपका जो जो इलेक्ट्रिक से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, जितने भी आपके जैसे टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, कूलर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, इसकी वजह से बहुत चेंजेस हुए सेमीकंडक्टर के आने की वजह से। जैसे आप पहले के ज़माने में टीवी देखते थे, कैसा होता था, खूब बड़ी सी टीवी, पीछे खूब बड़ा होता था। लेकिन आज की टीवी की देखो कैसी है, एकदम पतली, स्लिम। तो उसको किसकी वजह से पॉसिबल हुआ, वो इसकी वजह से पॉसिबल हुआ। इसके एग्जांपल्स क्या है, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये इसके एग्जांपल्स हैं। इसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो भी कर सकती है, नहीं भी फ्लो कर सकती है, ये बीच वाली चीज़ है, ठीक है। तो जैसे पहले का आप मोबाइल देखो, नोकिया, पहले जो नोकिया मोटा वाला फ़ोन होता था, उसको आप खोलो तो उसको आप खुद से ही सारी चीज़ें कंपोनेंट दिखते थे कि ये भैया माइक है, ये आपका सारी चीज़ें उसमें सब कुछ दिखता था। लेकिन आपके फ़ोन में आता है सब एकदम ऐसे पतले पतले कंपोनेंट होते हैं, वो आप अपने आँख से ही नहीं दिखते, उसको आप अलग कैसे कर पाओगे। तो ये इससे आईसी बनने लगी, इसकी वजह से आईसीज बनने लगी, जो बहुत पहले पहले बहुत बड़े बड़े काम करते थे, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें लगती थी। जैसे सुपर कंप्यूटर पहले का क्या था, बहुत बड़े घर के बराबर एक कंप्यूटर हुआ करता था। आज के कंप्यूटर्स कितने हैं, आज के कंप्यूटर ऐसे हैं कि आप लैपटॉप, पाम टॉप, अब हाथ में कंप्यूटर यूज कर रहे हो, तो बहुत फैसिलिटीज हो गई उसकी वजह से, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, फिर अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे, तो इसके आगे की चीज़ें कंटिन्यू करेंगे। अब आप धीरे से कनेक्ट, धीरे धीरे मेरे साथ कनेक्ट रहो, आपको हर एक चीज़ पढ़ाऊंगा, डीप में पढ़ाऊंगा, और आप रिवाइज करते रहना बस टाइम टाइम पे, ओके। चलो फिर अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं, ओके, थैंक यू।